हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बहुत बड़ी न्यूज़ आ रही है जीएसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे। देखिए, मुझे ना बड़ा दुख होता है झारखंड एसएससी के द्वारा जब भी कोई नई नोटिफिकेशन रिलीज की जाती है ना कुछ बैड न्यूज़ ही आता है। लेकिन एक एश्योरिटी ये नोटिफिकेशन आपको देकर जाएगा, एग्ज़ाम को कैंसिल किया गया है। तो किन एग्ज़ाम को कैंसिल किया गया है, 6 to 8 के एग्ज़ाम कब तक हो जाने के चांसेस हैं, सारे चीज़ों पे हम लोग बात करेंगे, सारी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको देंगे। तो देखिए, 25 अप्रैल को रात 10 बजे जो है नोटिफिकेशन जारी किया गया है, तो सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले आप लोगों को मैं बता दूं, जिन लोगों को करंट अफेयर्स पढ़ना है, 1 to 5 वाले को भी पढ़ना है और 6 to 8 वाले को भी पढ़ना है, तो आप लोगों के लिए देखिए मैंने जनवरी वाले करंट अफेयर्स को अपलोड कर दिया है। और पिंकी प्रॉमिस करता हूं कल आपको फरवरी वाला करंट अफेयर्स देखने को मिल जाएगा। तो जनवरी फरवरी दो दिनों में, अगले दिन मार्च एंड देन अप्रैल का भी आपको करंट अफेयर्स देखने को मिल जाएगा। तो अपने दोस्तों तक भी जो है इसे साझा करें। आपको जो जनवरी वाला करंट अफेयर्स है उसका लिंक आपको नीचे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। एक अलग से प्लेलिस्ट भी मैं बना दूंगा जहां से आप जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल और उससे पीछे वाले, एक्चुअली अप्रैल वाले को नहीं, हम लोग जनवरी फरवरी मार्च और फिर दिसंबर और अक्टूबर बैकवर्ड भी हम लोग जाएंगे। तो फिलहाल मैं चलता हूं आपको सीधे जो है नोटिफिकेशन की ओर लेकर। क्या खबर आई है यहां से देख लो। सबसे पहले आप यहां से देख पाओगे झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा जो है नोटिफिकेशन रिलीज की गई है। यहाँ से देखिए विज्ञापन संख्या 13/2023 आम सूचना नंबर 30। मैं ना इससे बड़ा सोच कर देखो, आप एक नोटिफिकेशन आनी चाहिए, दो, ज़्यादा से ज़्यादा तीन, ज़्यादा से ज़्यादा चार, लेकिन 30 नोटिफिकेशन, ये हद नहीं हो गई। देखो, मुझे व्यूज तो मिलेंगे ही, जब भी नोटिफिकेशन आएगी मैं वीडियो डालूंगा, 5,000-6,000 और डॉलर में पैसे आते हैं मुझे। लेकिन दुख होता है एज अ एस्पिरेंट, मैं झारखंड में खुद जो है सहायक आचार्य के पद के लिए जो है एप्लीकेशन देना चाहता हूं, लेकिन ये जो पैसे से बियॉन्ड वाली चीज़ें हैं ना, झारखंड में लोग फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं कि इतनी इतनी नोटिफिकेशन निकालते हुए एग्जाम तो आपसे होता नहीं है। तो फिलहाल देखिए जो जो बातें बताई गई है वो मैं आपको दिखा देता हूं। 25/4/2024 को ये नोटिफिकेशन आया है, क्या बताया गया है देखिए। एग्जाम जो होने वाला है वो एग्जाम होगा ही, देखिए प्रकाशित किया जाना निर्धारित था। देखिए 24/4 को आयोग के वेबसाइट पर डाउनलोड के लिए जो है ये किया गया था। अब देखिए यहाँ पे क्या बताया गया है, लोकसभा चुनाव के कार्य में सम्मिलित होने के संबंध में आयोग को पारा अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त होने के फलस्वरूप आयोग के द्वारा जो विचार किया गया है उसमें पेपर वन में जो सिर्फ हिंदी विषय के अभ्यर्थी हैं उनकी परीक्षा 27 से 30 तक जो है आयोजित की जानी थी। ये जो 27, 28, 29 और 30 है, 4 दिनों में जो है सिर्फ और सिर्फ पेपर वन वाले का पेपर 1 to 5 का ले लिया जाना चाहिए था, ये ऐसा आयोग का मानना था। लेकिन दिक्कत क्या आ गई, उक्त प्रवेश पत्र दिनांक 25/4 से आयोग के वेबसाइट पर लिंक भी प्रकाशित किया गया था। अब उक्त संबंधित अभ्यर्थियों से पेपर, देखिए जो पेपर 2 है इसके अंतर्गत हिंदी विषय चयन करने वाले जो गैर पारा अभ्यर्थी को पेपर 2 और 3 की जो है परीक्षा वो 2/5 और 3/5 को, यानी कि 2 मई और 3 मई को किया जाएगा। अब इसका जो डाउनलोड करने का लिंक है वो 27/4 को किया जाएगा। देखिए हुआ क्या है, मैं आपको समझा देता हूँ। सिर्फ और सिर्फ पारा टीचर को जो है यहाँ पे रोका जा रहा है, पारा टीचर को एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, 2 और 3 वाले एग्जाम को जिसमें कि पेपर 2 और पेपर 3 अलग अलग दिन आपका जो है लिया जाने वाले था, इस दिन आपको जो है एग्जाम देने की जरूरत नहीं होने वाली है। अब जो है इसका लिंक आपको जो है 27/4/2024 को दे दिया जाएगा, जहाँ से आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाओगे। तो पारा टीचर को जो है इलेक्शन कामों के कारण जो है एग्जाम बाद में इनको देना होगा। आगे देखिए, पारा शिक्षक अभ्यर्थियों तथा शेष पत्रों की परीक्षा का जो है अगले आदेश तक जो है स्थगित किया जाता है। पेपर वन के अंतर्गत यदि कोई अभ्यर्थी परीक्षा तिथि में चुनाव कार्य में अगर वो शामिल है तो उसको फिर से वही बात जो कल मैंने या परसों आप लोगों के लिए वीडियो बनाई थी कि ईमेल के माध्यम से आपको स्वयं उपस्थित होकर या फिर ईमेल के माध्यम से साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा, जिसमें कि आपको जो लेटर वगैरह जो है इशू किया गया है या फिर आपका जो प्रवेश पत्र है उसकी फोटो आपको जो है ईमेल के माध्यम से भेजनी होगी। पेपर 2 और पेपर 3 के लिए देखिए यहाँ पे क्या बताया गया है, 29/4 को जो है शाम 5 बजे तक आपको जो है ये टाइम दिया गया है। एनी हाउ आपको जो है स्वयं से जो है साक्ष्य को जो है या फिर प्रूफ जो है रखना होगा। तो फिलहाल फिर से मैं आप लोगों को दोहरा दूं, टाइम आपका बिल्कुल आपके पास नहीं है, अगर मैथ वाले को थ्योरी ऑफ इक्वेशन पढ़ना है तो थ्योरी ऑफ इक्वेशन की एक वीडियो मैं आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगा। अगर आपको चाहिए होगा तो जो लोगों ने वीडियो यहां तक देख लिया है तो थ्योरी ऑफ इक्वेशन नीचे कमेंट सेक्शन में लिखेंगे तो थ्योरी ऑफ इक्वेशन आप लोगों को मैं पढ़ा दूंगा। मैथमेटिक्स इज माय सब्जेक्ट। बाय द वे, वीडियो यहां तक देख लिया तो इसे शेयर करें, अपने दोस्तों तक साझा करें, उन तक पहुंचाएं। तब तक के लिए जय हिंद।